व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक वंस अगेन। सो दोस्तों, आज की फिल्म जो हम एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है आई स्पिट ऑन योर ग्रेव पार्ट टू। दोस्तों, इसका पहला पार्ट भी मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, अगर आप देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन में लिंक है, वहां से जाके देख सकते हैं। तो चलिए मूवी की शुरुआत करते हैं। सो गाइज, मूवी शुरू होती है और हम कैटी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि कॉफ़ी शॉप में काम करती है, लेकिन वो एक मॉडल बनना चाहती है। वो अपनी फ्रेंड को कुछ फ़ोटोज़ दिखाती है और उसकी फ्रेंड उसे और स्टाइलिश फ़ोटो खिंचवाने के लिए बोलती है, लेकिन पैसों की तंगी के कारण कैटी उसकी बात टाल देती है। अब अगले दिन घर जाते हुए कैटी को कॉफ़ी शॉप के नोटिस बोर्ड पर एक पोर्टफोलियो मिलता है जिस पर लिखा था कि वो फ्री में फ़ोटोज़ खिंचवा सकती है। वेल, वो वहाँ से उसका नंबर लेती है और अपने घर की तरफ निकल जाती है। घर जाकर कैटी अपनी पुरानी मॉडलिंग की फ़ोटोज़ देखती है और उसकी पोर्टफोलियो वाले नंबर पर कॉल करती है। वो फ़ोटोशूट वाला कैटी से उसके एक सैम्पल फ़ोटो मांगता है, जिसके बाद कैटी अपनी एक फ़ोटो खींचकर उसे भेज देती है और उसे अगले दिन सुबह 10 बजे एड्रेस पर एक बुलाया जाता है। अब अगले दिन कैटी उस एड्रेस पर पहुँच जाती है जहाँ पहले से एक फ़ोटोशूट चल रहा होता है। हम यहाँ तीन लोगों से मिलते हैं, इवान, जॉर्जिया और निकोलन। कैटी घर से कुछ कपड़े लाई होती है ट्राई करने के लिए, तो इवान उसे वो ड्रेस चेंज करने के लिए बोलता है। जब कैटी ड्रेस चेंज करके आती है तो दोस्तों, जॉर्जी उसे देखकर दीवाना हो जाता है। सो फाइनली कैटी का फ़ोटोशूट चालू हो जाता है, लेकिन थोड़ी देर में इवान उसे बोलता है कि उसे कुछ और ट्राई करना चाहिए, उसे और छोटे ड्रेस पहनना चाहिए जिससे कि वो और ज़्यादा अट्रैक्टिव दिख सके। वो बताता है कि मॉडल बनने के लिए सारी चीज़ें करनी पड़ती है। कैटी को ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अजीब लगती है, वो वहाँ से निकल कर घर आ जाती है। अब कैटी घर आकर बहुत ही ज़्यादा दुखी होती है, उसे ऐसा लगने लगता है कि वो एक सक्सेसफुल मॉडल नहीं बन पाएगी। लेकिन अगली सुबह उसके डोर पर एक नॉक होता है और वो जब डोर खोलती है तो वहाँ पर जॉर्जी खड़ा होता है। वो उसे फ़ोटोज़ देने आया होता है दोस्तों, लेकिन कैटी उन फ़ोटोज़ को लेने से मना कर देती है, जिस पर जॉर्जी उसे सॉरी बोलता है कि उन लोगों की वजह से कल रात वो उदास हो गई, और बताता है कि फ़ोटोज़ बहुत ही अच्छी आई है, उसे एक बार ज़रूर देखना चाहिए। कैटी उसे दोबारा मना करती है, लेकिन बार बार रिक्वेस्ट करने पर कैटी फ़ोटोज़ को ले लेती है। वो बोलता है कि उसने अपने कंप्यूटर से सारी फ़ोटोज़ उसकी डिलीट कर दी है ताकि उसकी प्राइवेसी बनी रहे। यहाँ पर हम देखते हैं कि जॉर्जी झूठ बोल रहा था, वो फ़ोटोज़ अभी भी उसके पास होती है, वो उसी को देख रहा होता है। अब धीरे धीरे करके वो कैटी के पीछे पागल हो रहा था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कैटी कूड़ा फेंकने के लिए बाहर जाती है और इसी बीच जॉर्जी फ़ायदा उठाकर उसके घर में घुस जाता है। जब कैटी सो रही होती है तो वो उसकी छुपकर कुछ फ़ोटोज़ लेने लगता है, और इसी बीच कैटी की आँख खुल जाती है। वो बोलती है कि अगर तुम 3 सेकंड में घर से बाहर नहीं गए तो वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाएगी, लेकिन वो फिर भी घर के बाहर नहीं जाता। वो बोलता है कि मैं तुमसे कुछ देर बात करना चाहता हूँ। कैटी को इस बात पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है, वो उसे शॉक देकर भागने लगती है, लेकिन तभी जॉर्जिया उसे पीछे से पकड़ लेता है और ज़मीन पर पटक देता है। वहाँ पर जॉर्जिया कैटी के मुंह पर कपड़ा बांध देता है ताकि वो चिल्लाकर किसी और को बता ना पाए, लेकिन इसी बीच उसका जो पड़ोसी होता है वो उसकी आवाज़ सुन लेता है और उसकी मदद के लिए उसके रूम में आता है। अब जॉर्जिया इतने ज़्यादा गुस्से में होता है कि वो उसके पेट में चाकू घुसा देता है, जिससे कि उसके पड़ोसी की भी वहीं मौत हो जाती है। अब वो रूम का डोर बंद करता है और कैटी के साथ बहुत ही गलत काम करता है। आप समझ गए होंगे क्या गलत काम है वो। ये गलत काम करने के बाद वो साइड में बैठ जाता है और कैटी की पड़ोसी को मरा हुआ देखकर, जिसके बाद उसे एहसास होता है कि उसने बहुत ही ज़्यादा बड़ी गलती कर दी है, वो डर कर बहुत ही ज़्यादा कांपने लगता है और डर कर इवान और निकोली को फ़ोन करता है। तो थोड़ी देर में ये दोनों भाई उसके यहाँ पर पहुँच जाते हैं और यहाँ पर उसके दोनों भाई उसको बचाने की कोशिश करते हैं। पहले तो वो सारा घर सामान साफ करते हैं और कैटी के हाथ में वही चाकू पकड़ा देते हैं जिससे कि जॉर्जिया ने उसके पड़ोसी को मारा था, ताकि सारा इल्ज़ाम उसके पड़ोसी के मारने का कैटी के ऊपर आ जाए। लेकिन दोस्तों, इन लोगों की हैवानियत यहाँ पर भी नहीं रुकती, वो कैटी को बेहोश करते हैं और एक सुनसान जगह पर ले जाते हैं। अब निकोली उसके साथ बहुत ही गलत काम करता है, इन तीनों ने उसे चेन से बांध कर रखा था जैसे कि कोई जानवर हो। यहाँ पर कैटी ज़ोर ज़ोर से मदद के लिए बुलाती है, लेकिन यहाँ उसके सुनने वाला कोई नहीं है क्योंकि यहाँ सभी हैवान है दोस्तों। अब अगले दिन जॉर्जिया उसे नहलाता है और उसके लिए एक ड्रेस लेकर आता है। इसी बीच कैटी उसे बाल्टी से मारकर इसका फ़ायदा उठाकर वो यहाँ से आज़ाद हो जाती है और यहाँ से भागकर रोड पर भागना चालू कर देती है। वो चिल्ला चिल्लाकर कई लोगों से मदद मांगती है, लेकिन उसकी मदद करने वाला कोई नहीं था जैसे कि हम सभी जानते हैं। इसी पल उसे एक पुलिस वाला और एक डिटेक्टिव भी मिल जाते हैं, तो वो डिटेक्टिव उसकी मदद के लिए आगे आता है और अपनी कार में उसे ले जाता है। क्या अपने साथ हुए दुष्कर्म के बारे में उसे बताती है। वो बोलती है कि वो एक अमेरिकन है और वो डिटेक्टिव उसे अपने साथ ले जाता है।
यहाँ पर वो ऑफिसर कैटी से बोलता है कि उसे डॉक्टर के पास जाना चाहिए, लेकिन कैटी उसे बार बार एक ही बात बोल रही थी कि उसे बस अपने घर जाना है। वेल दोस्तों, हम मैं आपको बता दूँ कि कैटी किसी और देश में है, वो अमेरिकन एम्बेसी जाना चाहती थी ताकि वहाँ से वो वापस अमेरिका जा सके। तो यहाँ पर ये दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि यहाँ पर मिस एना आती हैं और ऑफिसर उनसे बोलता है कि कैटी डॉक्टर के पास नहीं जा रही है, जिस पर एना बोलती हैं कि उसे और कैटी को कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दे। एना कैटी से बोलती है कि वो एक शेल्टर चलाती है और वो ऐसी लड़कियों की मदद करती है जिनके साथ कुछ गलत हुआ हो। यहाँ पर एना बोलती है कि मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है, इसलिए मैं तुम्हारे दर्द को समझती हूँ। कैटी उसकी बातें सुनकर उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है। रास्ते में एना किसी को कॉल करती है और बोलती है कि मेरे पास एक लड़की है जिसका नाम कैटी है, उसे मदद की ज़रूरत है, और सामने वाला बंदा बोलता है कि उसे मेरे घर पर लेके आ जाओ। अब एना उसे अपने घर पर ले जाती है और इसके बाद वो उसे बेसमेंट में ले जाती है और यहाँ पर दोस्तों एक और राज खुलता है। ये वही जगह होती है जहाँ से कैटी थोड़ी देर पहले भागकर बाहर निकली थी, मतलब कि एना भी इन लड़कों के साथ मिली होती है। कैटी ये सब देखकर बहुत ही ज़्यादा डर जाती है। अब कैटी दोबारा इस जगह पर फंस चुकी थी और इवान उसे पकड़ कर ज़मीन में गिरा देता है, उसे बहुत ही बुरी तरह से वो मारता है। इसके बाद हम यहाँ पर एक नए आदमी को देखते हैं जो कि इवान का फादर होता है। ये आदमी और ज़्यादा कमीना होता है दोस्तों, वो कैटी को और मारता है और उसके साथ बहुत ही गलत काम करता है। अब एना ऊपर से कैटी की चीखने की आवाज़ें सुन रही थी, उसकी आँखों से भी आंसू गिरने लगते हैं वो आवाज़ें सुनकर, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वो भी किसी तरह की ट्रैप में फंसी हुई है। इन लोगों ने उसे किसी तरह से मजबूर किया है ताकि वो किसी की मदद ना कर सके। इसके बाद कैटी की हालत बहुत ही ज़्यादा बुरी हो जाती है, उसके मुंह से खून आने लगता है, लेकिन ये लोग यहाँ भी नहीं रुकते हैं। इवान उसके पास आता है और उसे बहुत ही बुरी तरह से मारता है। ये तीनों एक बेसमेंट में एक गड्ढा खोदने लगते हैं और वहाँ पर एक बॉक्स लेके आते हैं। इनका प्लान था कि कैटी को वो उस बॉक्स में बंद करेंगे और उसे ज़िंदा ही दफना देंगे। वो ऐसा ही करते हैं, वो कैटी को बॉक्स में बंद करते हैं और नीचे दफना कर उस पर मिट्टी डाल देते हैं। और कैटी नीचे अंधेरे में ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी, मदद की गुहार करी थी, लेकिन उसका सुनने वाला यहाँ पर कोई नहीं था। और ये सारा सीन देखकर हमें ऐसा लगता है कि कैटी की मौत अब नज़दीक है, लेकिन तभी दोस्तों उस पर ऊपर वाले का चमत्कार होता है। कैटी का बॉक्स नीचे ज़मीन में गिर जाता है, ज़मीन को तोड़कर और उसका बॉक्स खुल जाता है, जिससे कि कैटी बाहर आ जाती है। जी हाँ दोस्तों, वो कहावत आपने ज़रूर सुनी होगी कि ऊपर वाले के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं। तो यहाँ पर ऊपर वाले ने उसकी मदद की थी, बट हम देखते हैं कि कैटी की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, वो ठीक से चल भी नहीं पा रही है। वो यहाँ से एक दरवाज़े को खोलती है और ये दरवाज़ा होता है चर्च का। वो उसके अंदर जाती है और यहाँ के फादर उसकी मदद करते हैं। फादर उसे खाना, कपड़ा और एक बाइबल देते हैं। फादर को भी लगने लगा था कि कैटी के साथ बहुत ही कुछ बुरा हुआ है। दूसरी साइड दोस्तों, इवान और निकोली सोच रहे थे कि कैटी मर चुकी है और वो इस बारे में ऐश करना चाहते थे, तो आज रात वो पार्टी करने का प्लान बना रहे थे। लेकिन यहाँ पर इन हैवानों को पता नहीं होता है कि अब इनकी मौत आने वाली है। अब कैटी यहाँ से बाहर निकलती है और यूएस एम्बेसी के बाहर जाती है। वो यूएस एम्बेसी के बाहर खड़ी होती है और डिसाइड करती है कि वो तब तक अमेरिका नहीं जाएगी जब तक वो इन तीनों को सबक ना सिखा दे। वो यहाँ से निकलकर अब कैटी चर्च में जाती है और बाइबल पढ़ने लगती है। तभी दोस्तों यहाँ पर फादर आते हैं और उसे दूर खड़े होकर बोलते हैं कि घबराओ मत, मैं तुम्हारे पास नहीं आऊँगा, मुझे पता है कि तुम्हारे साथ कुछ बहुत ही बुरा हुआ है, मैं पुलिस को बुलाकर तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। कैटी उन्हें मना करती है और यहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद फादर जब उस बाइबल को देखते हैं जिसे कैटी पढ़ रही थी, और यहाँ हम देखते हैं कि बाइबल का वही पेज खुला था जिसमें लिखा हुआ था कि बुरे लोगों को सज़ा कैसे मिलेगी। फादर समझ जाते हैं कि अब तूफान आने वाला है, क्योंकि जब एक औरत अपनी कमज़ोरी छोड़ती है तो उससे ज़्यादा ताकतवर इंसान कोई नहीं होता, ये हम सब जानते हैं। अब कैटी सभी लोगों को ऑब्ज़र्व करती है कि वो किस टाइम घर आते हैं, किस टाइम घर से बाहर जाते हैं। सबसे पहले वो जॉर्जियो को शिकार बनाती है, वो जॉर्जियो को अपनी एक झलक दिखाती है, जिसके बाद जॉर्जिया उसका पीछा करने लगता है। अब कैटी उसके गले में एक रस्सी डालकर उसे होश कर देती है और उसके कपड़े उतारकर उसे बंदी बना लेती है और तड़पाना चालू कर देती है। वो बोलती है कि मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखने वाली हूँ, घबराओ मत जॉर्जी। पहले तो वो उसकी बॉडी पर चाकू से कट लगाती है और उसमें मिर्च भर देती है, जिससे कि जॉर्जी तड़पने चालू हो जाता है। और अब बारी थी निकोले की।
मैं आपको बता दूं कि निकोली ने कैटी के ऊपर टॉयलेट किया था, तो उसके साथ भी वो कुछ ऐसा ही करने वाली थी। हम निकोली को एक पब में देखते हैं जहां पर कैटी उसके ड्रिंक में नशे की गोली मिला देती है, जिससे कि वो वॉमिटिंग करने लगता है। और जब वो बाथरूम में जाता है, यहां पर कैटी बाथरूम का डोर बंद कर देती है और उसका सर टॉयलेट में घुसा देती है। टॉयलेट में घुसने की वजह से उसका दम घुटने लगता है और वो वहीं पर मर जाता है। अब अगले सीन में डिटेक्टिव फादर के पास आते हैं और फादर उसे बताते हैं कि एक लड़की है जो कि अमेरिकन है, वो बहुत दर्द में है, उसको मदद की ज़रूरत है। उसे देखकर ऐसा लगता है कि वो अब रुकने वाली नहीं है। और इस सीन के बाद बारी थी इनके पिताजी की, जिनका नाम जॉन होता है। जॉन चर्च में होते हैं और तभी कैटी उन्हें भी अपनी एक झलक दिखाती है और ये देखकर जॉन बहुत ही ज़्यादा घबरा जाते हैं। अब जॉन भागकर घर जाने लगता है कि तभी कैटी पीछे से मारकर उसे भी बेहोश कर देती है और कैटी उस मोटे अंकल को एक बेड पर बांध देती है। जैसे इस मोटे ने उसके साथ किया था, वैसे ही अब वो उसके साथ करने वाली थी। वो छोटे जॉन पर शौक देना चालू कर देती है। आप समझ गए होंगे छोटा जॉन कौन है। वेल, उसकी बॉडी में वो अलग अलग जगह पर शौक देती है और लास्ट में दो वायर उसके मुंह में घुसा देती है और मशीन को ऑन कर देती है। इसी कारण मोटे अंकल की भी मौत यहीं पर हो जाती है, जिसने कि कैटी के साथ बहुत ही बुरा काम किया था। अब बचते हैं दो लोग, इवान और एना। यहाँ पर कैटी एना का फेवरेट गाना चलाती है और उसे बेसमेंट में बुलाती है और उसके आते ही वो उसे धक्का देकर नीचे गिरा देती है और बॉक्स में बंद कर देती है। यहाँ पर एना अपने बेटी की हालत देखती है और उसे माफ़ी मांगती है, लेकिन कैटी का गुस्सा कोई शांत नहीं कर सकता था। वो उसी बॉक्स के ढक्कन को एना के सिर पर ज़ोर ज़ोर कर मारकर उसका सर फोड़ देती है। उसके बाद बॉक्स में उसे बंद कर देती है। इसके बाद यहाँ इवान भी आ जाता है, जिसने कि उसे बहुत ही बुरी तरह से मारा था। वेल, आपको ये बात याद होगी। अब इवान एना को ढूंढते हुए बेसमेंट में आता है और यहाँ उसे जॉर्जिया दिखता है। वो जॉर्ज को छोड़ाने की कोशिश करता है और इसी पर यहाँ कैटी उसे भी मारकर बेहोश कर देती है। अब तड़पने की बारी थी इवान की। वो छोटे इवान को एक प्रेस मशीन में दबा देती है और बोलती है कि देख, तेरी माँ को मैंने भी बंदी बना लिया है। यहाँ पर इवान बताता है कि एना उसकी असली माँ नहीं है, उसके फादर ने एना के साथ भी बहुत ही गलत काम किया था, इसलिए जॉर्जिया पैदा हुआ था और एना उन लोगों के साथ रहने लगी थी। कैटी को ये सच्चाई पता चल जाती है तो वो एना का बॉक्स खोलती है और उसको सामने ही जॉर्जियो को जान से मार देती है। अब मरने की बारी थी इवान की। दोस्तों, वो उस मशीन को और ज़्यादा प्रेस करती है, जिससे कि छोटा इवान दबना चालू हो जाता है और छोटे इवान को इतना दबाती है कि वो फूट कर बाहर आ जाता है। पर यहाँ पर ऑफिसर भी आ जाता है क्योंकि फादर ने उसे बता दिया था कि कैटी, और तभी इवान भी उठ जाता है और कैटी का गला दबाना चालू कर देता है। ये देखकर ऑफिसर के पास कोई और रास्ता नहीं होता, इसलिए वो इवान को गोली मार देता है, जिससे कि उसकी जान चली जाती है। अब जब डिटेक्टिव उस बॉक्स को खोलता है तो उसमें एना होती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा डरी हुई होती है, जैसे कि एक टाइम पर कैटी थी। यहाँ पर कैटी का बदला पूरा हो जाता है। अब कैटी उस US एम्बेसी के बाहर खड़ी होती है और उसके चेहरे पर एक स्माइल होती है, मतलब अब वो सुकून से अमेरिका जा सकती है और मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। वेल गाइज, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने इस मूवी का पहला पार्ट भी एक्सप्लेन कर रखा है। अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो लिंक उसका आई बटन में है, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। इसका एक तीसरा पार्ट भी है दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि मैं तीसरा पार्ट एक्सप्लेन करूँ तो नीचे कॉमेंट ज़रूर करिएगा। वेल, मूवी ख़त्म हो जाती है, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पीस आउट।